नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत विजय सवाण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, 25 तारीख को काफी सारे फिल्में आए, उसमें से एक फिल्म थी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की ओर से राज शेट्टी स्टारर टोबी। अभी टोबी का मैंने रिव्यू भी किया था, तभी मैंने कहा था कि ये मास वाली मूवी नहीं है, ये क्लास वाली मूवी है और शायद ये काफी सारे जनों को स्लो पेस वाली मूवी लगेगी या फिर काफी सारे जनों को ये समझ ही नहीं आएगी। लेकिन अगर 100 में से 10 लोगों को ये समझ में आती है तो उनके लिए वो ऐसा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा जो वो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। और वही अगर आप राज शेट्टी के कोई भी मूवीज को देख लो तो उनकी हर एक फिल्में ऐसी होती है कि जो थोड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पे, भले ही मास वाला टॉपिक हो, साइकोलॉजिकल किलर वाला टॉपिक हो, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन जो होता है वो थोड़ा हटके होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे इस मूवी में है टोबी, जहां पे शैतान का रूप टोबी बनकर आता है और इन द एंड शैतान का वध करने के लिए धरती पर स्वयं देवी आती है। सो अभी देखते हैं, उसका फर्स्ट वीकेंड तो हो गया है। फर्स्ट वीकेंड में टोबी का क्या कलेक्शन था? ओवरऑल ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये मूवी 100 करोड़ या 50 करोड़ कमा लेगी, लेकिन फिर भी अच्छा खासा डिसेंट परफॉर्मेंस ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर दे सकती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फर्स्ट वीकेंड में अच्छा खासा कलेक्शन इस मूवी का हुआ है। अभी मुझे उनके पहले मूवीज का परफॉर्मेंस नहीं पता बॉक्स ऑफिस का, तो इसीलिए मुझे पता नहीं कि उसके कंपैरिजन में ये कितनी अच्छी परफॉर्म कर पाई है या नहीं। फ्राइडे को इस मूवी ने कमाए थे 1,30,00,000 रुपए, तो सैटरडे को 1,25,00,000 रुपए और कल संडे होने के बावजूद एक काफी बड़ा ड्रॉप हमें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में दिखाई दिया और संडे होने के बावजूद इस फिल्म ने कमाए केवल 1,10,00,000 रुपए। ऐसे करके 3 दिनों में टोबी इस फिल्म ने कमाए हैं 3,65,00,000 रुपए। वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने कमाए हैं 4,30,00,000 रुपए। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी वाइज अगर देखी जाए संडे की यानी कि कल की, तो ऑक्यूपेंसी का एवरेज जो था दिन भर का वो था 31.98% का, जिसमें मॉर्निंग शोज में संडे होने के बावजूद केवल 17.78% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून शोज की 41%, इवनिंग शोज की 38.42% और नाइट शोज की 30.71%। अगर रीजन वाइज देखा जाए तो बेंगलुरु में ऑक्यूपेंसी थी 27.50%, हुबली में 32.75%, मैंगलोर में 34.25, गुलबर्गा में 30.25, बेलगांव में 12.25, तो मुंबई में सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी थी 81.50% की। तो जब हमारी ओर से भी एक मराठी मूवी आई थी सूबेदार नाम की, तभी मैंने कहा था कि काफी सारे फिल्म एक दूसरे से क्लैश होने वाले हैं और एक दूसरे का मार्केट ना खाए क्योंकि ऑडियंस अलग अलग है हर एक फिल्म की, लेकिन शो टाइमिंग से मामले में हर एक मूवी को दिक्कत होने वाली है। अगर मुंबई में कन्नड़ फिल्म को 81% की ऑक्यूपेंसी संडे को मिल रही है, जो कि उसके होम पिच पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो सोचो अगर सूबेदार यह मूवी नहीं होती और इससे और ज्यादा शो टाइमिंग्स मुंबई में मिलते तो शायद 100% की ऑक्यूपेंसी इस मूवी की हो सकती थी। मसूरी में 25.50%, तो शिवामोग्गा में 50.75%, कुदापुरा में 70%, टुमकुर में 49.25, तो मणिपाल में 65.25, रायचूर में 67% और हैदराबाद में केवल एक ही शो था इसलिए 100% की ऑक्यूपेंसी कल संडे की थी। ये सारे के सारे ठिकानों के अगर मैंने सही नाम प्रोनाउंस नहीं किया होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ टोबी ये मूवी आपने देखी होगी, अगर आपने देखी होगी और आप सोच रहे होगी ये मूवी देखे कि नहीं, तो इसका रिव्यू मैंने किया हुआ है, रिव्यू की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।